सापरा विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना प्यार और मान सम्मान दिया और समर्थन दिया। समय का अभाव था, मैं आप लोगों तक नहीं पहुंच पाया, जिसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन अब मैं बहुत जल्द आपके पास पहुंचने वाला हूं, क्योंकि जल्द ही मैं पूरे सापरा के दौरे पे निकलने वाला हूं, क्योंकि मुझे सारी समस्याओं को इकट्ठा करना है और उनके निस्तारण के लिए मुझे संघर्ष करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आ रही है। रही बात मेरे परिणाम की, वो आने वाला समय बताएगा। परिणाम के बारे में अधिकतर लोगों को पता है, लेकिन मैंने आप लोगों को विश्वास दिलाया था कि मैं आप लोगों के मान सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा, ना आप लोगों को अकेला छोड़ूंगा। मैं सापरा के विकास के लिए आया हूं। सापरा में पानी, सड़क, चिकित्सा के हालात सुधरे, शिक्षा के हालात बेहतर हो, जातिवाद और भ्रष्टाचार खत्म हो, और उन्हीं चीजों को लेकर एक बार फिर मैं मैदान में आ रहा हूं। लेकिन किसी की यह शिकायत नहीं होगी कि उपेन यादव हमसे नहीं मिला। मैं सबसे मिलूंगा, सबको साथ लेकर चलूंगा। लेकिन आप लोगों ने कम समय में भी इतना मुझे प्यार और मान सम्मान दिया, जिसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और हमेशा इस चीज के लिए आभारी रहूंगा। जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी, और इसके अलावा जो घटनाएं घटित हुई छोटी मोटी, उन घटनाओं को आप भी भूल जाइए, मैं भी भूल जाऊं, क्योंकि चुनाव है, चुनाव जा चुके हैं। हम सबको भाईचारे के साथ रहना है, आगे बढ़ना है। लेकिन जो ये सोचते हैं कि उपेन यादव चुनाव के बाद चला जाएगा, हाँ मैं जाऊंगा, लेकिन कहाँ जाऊंगा? जनता के बीच में, क्योंकि मैंने कसम खाई थी कि अब जीऊंगा तो सापरा के लिए, मरूंगा तो सापरा के लिए। तो जल्द आपके बीच में आ रहा हूं, क्योंकि समस्याओं को इकट्ठा करेंगे तभी तो हल करेंगे। आपके बीच बैठूंगा, समस्या को जानूंगा, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी के बन रही है, और आप सबकी समस्याओं को हल कराने के लिए मैं जी जान लगाऊंगा। तो साथियों, एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द आपके बीच में आ रहा हूं। आपका अपना उपेन यादव।